इस वक्त की बड़ी खबर आप जान लीजिए। अग्निपथ योजना पर मचे बवाल के बीच एक बड़ी खबर आ रही है। वायुसेना की वेबसाइट पर अग्निपथ स्कीम की डिटेल जानकारी अपलोड की गई है। इसमें योजना के बारे में पूरी जानकारी दी गई है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, अग्निपथ योजना पर यह बड़ी खबर। वायुसेना की वेबसाइट पर अग्निपथ योजना की जानकारी दी गई। ताजा जानकारी के लिए आपको सीधा नीरज राजपूत के पास लेकर चलते हैं। नीरज, लगातार विरोध प्रदर्शन हो रहा है और इस बीच सरकार कोशिश में जुटी है कि किसी तरीके से इन स्टूडेंट्स को समझाया जा सके। बिल्कुल, आपने बिल्कुल ठीक कहा, क्योंकि 24 जून से वायुसेना की जो भर्ती प्रक्रिया है अग्निवीरों के लिए वो शुरू होनी है। उससे पहले वायुसेना ने अपनी वेबसाइट पर जो पूरी डिटेल जानकारी है, अभी तक जो जानकारी आ रही थी वो थोड़ी थोड़ी करके आ रही थी, मीडिया के माध्यम से आ रही थी, प्रेस रिलीज के माध्यम से आ रही थी सरकार की तरफ से, लेकिन अब पूरी डिटेल जानकारी अग्निवीरों की यानी अग्निपथ स्कीम की वो वायुसेना ने अपलोड कर दी है, जिसमें जानकारी दी गई है सैलरी के साथ साथ उनको क्या क्या सुविधाएं मिलेंगी। जैसे उसमें लिखा गया है कि एक रेगुलर सोल्जर की तरह, सैनिक की तरह उन्हें मेडिकल सुविधा मिलेगी, कैंटीन की सुविधा मिलेगी, हार्डशिप अलाउंस मिलेगा जो कि काफी ज्यादा अमाउंट होता है सेना के नौकरी के दौरान, और इसके अलावा ट्रैवल अलाउंस भी मिलेगा, यूनिफॉर्म अलाउंस भी मिलेगा उनको। साथ ही ये भी बताया गया है कि वायुसेना में एक साल में 30 दिन की छुट्टी भी मिलेगी उनको। इसके अलावा ये भी बताया गया है शिक्षा कि अगर किसी अग्निवीर की अपनी ड्यूटी के दौरान अगर वीरगति को प्राप्त हो जाता है तो उसको कितना इंश्योरेंस मिलेगा। इंश्योरेंस के बारे में जानकारी दी गई है कि जितने भी अग्निवीर होंगे सेना में, वायुसेना में या थल सेना में, नौसेना में, उनको 48 लाख का इंश्योरेंस भी मिलेगा। इसके अलावा अगर कोई वीरगति को प्राप्त होता है तो इस 48 लाख के साथ साथ 44 लाख की एक मुफ्त राशि जो है सरकार की तरफ से दी जाएगी। सेवानिधि पैकेज जो जितना होगा उसका उतना मिलेगा, करीब करीब 1 करोड़ रुपया उनके परिवार को मिलेगा। लेकिन नीरज, जो स्टूडेंट्स इसका विरोध कर रहे हैं उनकी मांग ये थी कि चूंकि नियमित जो सैनिक हैं उन्हें कई चीजें लाइफ लॉन्ग मिलेगी, अपने जीवन के अंतिम क्षण तक मिलेगी, लेकिन ये जो अग्निवीर होंगे उन्हें ये सारी चीजें नहीं मिलेगी। जैसे इसमें कैंटीन प्रमुख रूप से है, सैनिकों को कैंटीन की सुविधाएं मिलती है लेकिन अग्निवीर को नहीं मिलेगी, तो क्या इसको लेकर के भी कोई जानकारी साझा की गई है? बिल्कुल, उसमें लिखा गया है, जो जानकारी अपलोड की गई उसमें ये लिखा गया है कि सीएसडी कैंटीन की जो सुविधा है वो उनको जब वो सर्विस के दौरान, 4 साल की सर्विस के दौरान ही मिल पाएगी, बाकी जब वो रिटायर हो जाएंगे यानी कि एक्ट अग्निवीर होंगे तो नहीं मिलेगी। पेंशन की बात तो पहले ही मना कर दी गई थी, और पेंशन तो वैसे भी जो सेना में है वो करीब 15 साल की नौकरी करने के बाद, रेगुलर सोल्जर को जो अभी हम लोग सैनिकों की भर्ती होती है वो पेंशन 15 साल की नौकरी करने के बाद ही मिलती है, शुरुआत से ही पेंशन नहीं मिलती है जैसे कि पहले बताया गया। तो ये बिल्कुल बात ठीक कही आपने कि अग्निवीरों को रिटायरमेंट के बाद यानी कि जब सेना से बाहर हो जाएंगे तो उनको कैंटीन की सुविधा नहीं मिल पाएगी। और सालाना अगर छुट्टियों की बात करें नीरज, तो जो नियमित सैनिक है उन्हें 90 दिन की छुट्टियां सालाना मिलनी थी, लेकिन अग्निवीरों के लिए अभी तक साफ नहीं था, लेकिन आप जानकारी ये दे रहे हैं कि अब वेबसाइट पे ये कंफर्म कर दिया गया है कि 30 दिन उन्हें छुट्टियां मिलेंगी सालाना इन 4 सालों में। बिल्कुल शिखा, ये वायुसेना की जानकारी है जो वायुसेना ने अपलोड की है, उस पर 30 दिन की छुट्टी, और मेडिकल लीव अलग है कि उनको अगर कोई किसी तरह की कोई बीमारी या कुछ और कुछ हो जाता है तो उसके लिए अलग से छुट्टियां हैं। जो 90 दिन की छुट्टियां हैं वो थल सेना की है, थल सेना ने अभी अपनी पूरी डिटेल जानकारी अपलोड नहीं की है, तो हमें उसका इंतजार करना होगा कि वो कितनी छुट्टियां उनको मिल पाती है। बिल्कुल ठीक है कि जो रेगुलर सोल्जर होते हैं उनको 90 दिन की छुट्टियां मिलती है, लेकिन वो थल सेना के लिए, वायुसेना के लिए नहीं। ठीक है नीरज, यानी कि सरकार की तरफ से जो है ये कंफर्मेशन दे दिया गया है, हालांकि इस बारे में जानकारी पहले भी लोगों तक पहुंच चुकी थी, और यही वजह थी कि लगातार छात्र इसका विरोध भी कर रहे थे और कई चीजों की मांग भी कर रहे थे जो एक नियमित सैनिक को मिलता है। हम आपसे नीरज ये भी जानना चाहेंगे कि अब आपको क्या लगता है, जिस तरीके से इस पूरे मामले को पॉलिटिसाइज किया जा रहा है, सियासी रोटियां सेकने के लिए इस पूरे मुद्दे को उठाया जा रहा है, क्या लगता है कि इस जानकारी के बाद जो चीजें हैं वो अब सामान्य हो जाएगी, छात्र सड़कों से वापस घर को लौट जाएंगे? अब बिल्कुल आपने बिल्कुल ठीक कहा, ये बात हमने खुद जो सेना के बड़े अधिकारी हैं उनसे बातचीत में ये बात पूछी थी भी और उनसे जानकारी भी लेनी चाहिए, तो उन्होंने कहा कि जो अग्निवीर बनना चाहता है, जो सैनिक बनना चाहता है युवा, वो इन दंगे प्रदर्शन में कहीं पर भी हिस्सा नहीं ले रहा है, ये पॉलिटिकली तो मोटिवेटेड है ही। साथ ही उन्होंने कहा कि कोचिंग सेंटर्स की तरफ भी उन्होंने इशारा किया कि कोचिंग सेंटर्स की तरफ से भी ये इस तरह की कोशिश जो है छात्रों को, जो कैंडिडेट्स हैं उनको उकसाने की कोशिश की गई है। लेकिन जैसे कल लेफ्टिनेंट जनरल अनिल पुरी हमारे एबीपी न्यूज चैनल पर बैठे थे, लाइव बैठे थे, उन्होंने पूरी सारी जानकारी क्लियर की, उन्होंने कहा कि कोचिंग सेंटर्स को घबराने की जरूरत नहीं है,
आने वाले समय में जो अग्निवीरों की जो अभी 46,000 इस साल भर्ती होनी है, ये आने वाले समय में 1,00,000 तक पहुंच जाएगी। तो कोचिंग सेंटर्स को भी इस बात को समझना होगा कि उनके व्यवसाय पर कोई असर नहीं पड़ने वाला है, बल्कि उनका व्यवसाय और बढ़ सकता है, क्योंकि सैनिकों की अग्निवीरों की जो संख्या होगी वो आने वाले सालों में लगातार बढ़ती जाएगी। चूंकि लीडर जी, वायुसेना ने अपनी वेबसाइट पर ये पूरी जानकारी साझा की है कि अग्निवीरों को क्या कुछ मिलेगा, तो क्या ये जो सैनिक हैं उन्हें भी ये सारी चीजें मुहैया करवाई जाएंगी, ये सुविधाएं मिलेंगी, या सिर्फ ये वायुसेना वाले लोगों के लिए होगा, वायुसेना वाले अग्निवीरों के लिए ही होगा? बिल्कुल शिखा, ये अभी सिर्फ वायुसेना की ने अपनी दी है। जो अग्निवीर जो अग्निपथ स्कीम है वो तीनों सेनाओं के लिए है, लेकिन उनमें भी जैसे कि पहले दिन जो जानकारी दी गई थी, जिस दिन रक्षा मंत्री और तीनों सेना प्रमुख ने ये ऐलान किया था कि अग्निपथ योजना आ रही है, उस वक्त बता दिया गया था कि ये एक ब्रॉड स्कीम है, लेकिन थल सेना, वायुसेना और नौसेना अपने अपने हिसाब से अपना अपना चार्टर तैयार करेंगी, अपनी अपनी जो उनको चाहिए एक अग्निवीर में से उम्मीदें होंगी वो, और साथ ही उनको क्या क्या सुविधाएं मिल सकती वो अपनी अलग अलग होगी। तो इन तीनों की अलग अलग होगी, क्योंकि इनकी सर्विसेज तीनों की अलग है। थल सेना की डिमांड अपनी अलग है, वायुसेना की अलग है, नौसेना की बिल्कुल अलग है। जी नीरज, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी का, आपसे हम इसी के बारे में पूरी अपडेट और भी लेते रहेंगे। पूर्णिया सिटी जानिए ना, पूर्णिया सिटी। हाँ शहर अंग्रेजी लगे हैं। कोरिया सिटी वो बहुत दूर है। प्रोफेसर साहब को पता होगा। हो, ये छोटा वाला ग्लोब लगता है। और पता नहीं, मेरी बेटी से जाके मिल लो, शायद उसे मालूम हो। बाबा ने भेजा है। Come here. Curiosity. Curiosity नहीं, Curiosity. वो क्या? That's what brought you here. जो तुम्हें यहां तक ले आया। Curiosity. ABP News, आपको रखे आगे।